तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं कि ऐसा थंबनेल कैसे बना जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बनाना सीखेंगे, एंड टेक्स्ट बनाने के लिए आपको यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपकी जो भी मर्जी हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा मेक दिस थंबनेल। तो इसको राइट करने के बाद आपको ए बी फॉन्ट में जाना है। अब ए बी फॉन्ट में जाने के बाद आपका जो भी मन हो गाइस वो आप फॉन्ट दे सकते हो। मैं अभी मेरे जो फॉन्ट मैंने ऐड किया है उसमें से मैं दे रहा हूँ। आपको फॉन्ट देने के बाद ऊपर नीचे आना है और स्ट्रेचिंग वाले में जाना है, एंड स्ट्रेचिंग को -9 या 7 कर देना, आप आपसे हिसाब से देखना राइट कर देना। और उसके बाद जाना है आपको 3D रोटेट में, एंड गाइस 3D रोटेट में जाने के बाद आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहा होगा, उसमें वाई को आपको 23 करना है और एक्स को 21 करना है माइनस में, इसको राइट कर देना। एंड उसके बाद कैसे मेरा ये थोड़ा ऐसा हो गया इसमें सही कर रहा हूँ। एंड इसके बाद आपको देना है इसको स्ट्रोक और कलर, एंड जो कलर है वो आप अपने हिसाब से देख लेना और स्ट्रेचिंग वर्ड देख लेना आपके हिसाब से। एंड गाइस आपको पूरा टेक्स्ट कंप्लीट करना है। अब मैं इसका कलर दे देता हूँ एंड स्ट्रोक दे देता हूँ। कलर मैंने ये लाल दिया है, आपकी जो मर्जी हो आप वो देख सकते हो। एंड गाइस मैं इसका स्ट्रोक दूंगा ब्लैक कलर से, एंड इसका इनर शेडो जो भी आपको देना है वो आप दे देना। अब गाइस आपको यहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर देना है, एंड जो आपका टेक्स्ट है उसको आप थोड़ा बड़ा कर देना, एंड यहाँ पर इसको सेट एज इमेज कर देना। इसी के बाद आपको एक नया प्रोजेक्ट लेना है एंड यूट्यूब थंबनेल लेकर आपको कर लेना है, एंड उसके बाद आपको टेक्स्ट है उसको डिलीट कर देना है, एंड आपकी जो भी इमेज है जो भी आपकी पबजी की है फ्री फायर की है जो भी गाइस को लेना है, मेरी ये पबजी लाइट की एक क्लिप है मतलब एक फोटो है मैं उसको ले रहा हूँ, एंड उसी को ऐसा क्रॉप कर लूँगा, एंड उसके बाद इसको फुल स्क्रीन कर लूँगा। तो आप फुल स्क्रीन कर लेना, आपको साइज में जैसे साइज में जाना है, एंड उसके बाद पूरे फुल कर लेना है, आपको पूरे को ऊपर आ जाएगा इसको राइट कर देना। एंड उसी के बाद आपको करना क्या है, आपको कलर फिल्टर में जाना है एंड इसी सिचुएशन को 10 करना, ब्राइटनेस को भी 10 कर देना, एंड जो कॉन्ट्रास्ट है उसको भी 10 कर देना, मतलब ऐसा आपको तीनों को 10 कर देना और राइट कर देना। उसके बाद आपको जाना है प्लस वाले आइकन पे मतलब लेयर वाले आइकन पे, एंड इसको लॉक कर देना। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे जाना है, ड्रो पे जाना है, एंड ड्रो के जाने के बाद आपको एक ब्लू कलर लेना है, मतलब ब्लू कलर रेड कलर जो भी आपको कलर लेना है वो आप ले लेना, मैं यहाँ पर से ब्लू कलर ले रहा हूँ। एंड ब्लू कलर लेने के बाद सुनना गाइस ध्यान से सुनना, ब्लू कलर लेने के बाद आपको ऐसे इसको मार्क करना है, मतलब आपको जितना इतना आपका ऐसे बादल है उसके ऊपर करना है, जूम करके बादल के ऊपर कर देना है, स्कोप के ऊपर या घर के ऊपर मत करना और ना ही पेड़ के ऊपर। जितने भी आपको बादल दिख रहा है मतलब जितने भी आपको सफेद सफेद एरिया क्लाउड एरिया है उसको पूरा कर लेना गाइस। जैसे कि मैं अभी पूरे एरिया को ब्लू कर देता हूँ, मेरा ये थोड़ा हो गया इसको मैं रेज कर देता हूँ। एंड गाइस आपको भी ऐसे ही सेम टू सेम पूरे आपका जो भी इलाका है मतलब जो भी आपका क्लाउडी एरिया है उसको पूरे को आपको ब्लू कर देना है। अब जैसे गाइस मैंने इसको पूरे को ब्लू कर दिया है, एंड गाइस इसको ब्लू करने के बाद आपको करना है थ्रोट पे जाना है, एक्सपोर्ट इमेज में जाना है, एंड इसको सेव टू गैलरी कर लेना है। एंड सेव टू गैलरी करने के बाद आपको आपका काइन मास्टर ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको एक बैकग्राउंड इमेज लेना है, एंड बैकग्राउंड इमेज लेने के बाद हमने जो इमेज सेव की थी उसमें से जो ब्लू वाली थी उसको लेना है, एंड आपको इसको पूरे के ऊपर कर देना है। और इसको पूरे ऊपर करने के बाद आपको जाना है क्रोमा की में, एंड इसको इनेबल कर देना है। अब देखो गाइस आपने जो नीले नीले किया था वो आपका इरेज हो चुका है, एंड उसके बाद आपको करना है कि एक इमेज एड करनी है ये वाली। गाइस इसको डाउनलोड कैसे करना है मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। अब आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड इसको सेंड टू बैक कर देना है, तो आपकी ये जो इमेज है वो आपके आगे आ जाएगी। एंड इसके बाद क्या करना है, आपको फिर से लेयर में जाना है, एंड लेयर में जाने के बाद आपको एक पार्टिकल ऐड करना है। अब वो पार्टिकल भी मैं आपको बाद बता दूंगा कि आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो आपको इसको सिंपली ऐड कर देना है, जिसको थोड़ा तीरछा करके इसको पूरे के ऊपर कर लेना है आपको। एंड जैसे आप पूरे के ऊपर करोगे इसमें फिर आपको पूरा एडजस्ट करना है, एंड उसी के बाद आपको जाना है थ्री डॉट में एंड इसको सेट टू बैकवर्ड कर देना है। अब जैसे सेंड टू बैकवर्ड करेंगे आपके ये मतलब आपके जो गेमिंग जो भी आपने फोटो एड किया था उसके बीच चल जाएगा, फिर से आपको उसी में जाना है, एंड आपको फिर से एक और PNG ऐड करना है। तो गाइस ये स्मोक PNG है, इसको भी कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगा। एंड आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है एंड इसको आके आपको स्क्रीन कर लेना है, लेकिन स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद आपको फिर से आना है जो हमने थंबनेल बनाया था आपको वो ऐड करना है, एंड उसके बाद जो भी आपका जैसा भी लगेगा आप इसको एडजस्ट कर लेना,
मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एंड आपको सेव टू कैप्चर कर देना है। गाइज आपको थंबनेल बनकर तैयार है। गाइज अब मैं आपको बताऊँगा कि जो भी इमेज मैंने यहाँ पर ली थी उसको आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं पिक्सआर्ट पर। गाइज आपको सिंपल से प्ले स्टोर पर आना है एंड वहाँ पर से पिक्सआर्ट को डाउनलोड कर लेना है। मैंने कर लिया है। इसके बाद आपको स्टिकर पर जाना है एंड इसके बाद आपको सर्च करना है। मैं आपको एक चीज़ सर्च कर बताता हूँ, जैसे पबजी, तो मैं पबजी यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। आपको जो भी इमेज चाहिए आप कर लेना, जैसे मैं बोलता हूँ पार्टिकल इमेज, तो आप पार्टिकल इमेजेस सर्च करना, आपका सर्च हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक डाउनलोड कर बताता हूँ, तो यहाँ पर से मैं एक इमेज ये ले लेता हूँ एंड इसको फुल स्क्रीन कर लूँगा। एंड फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर राइट कर लूँगा एंड राइट करने के बाद आपको एक ये यहाँ पर ये दिख रहा होगा तेजी से इंसान, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर सेव कर देना। और फिर आपके पास दो ऑप्शन जाएंगे, सेव टू पिक्चर ऑन योर डिवाइस में कर देना, आपकी इमेज आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।